नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और फिर आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सायापुर में 27 साल बाद बेटे ने दुष्कर्म पीड़िता मां को न्याय दिलाने के लिए FIR दर्ज कराई। SP के आदेश पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश जारी। 1994 में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दो लोगों ने किया था दुष्कर्म। जलालाबाद के गुनारा गांव में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिरा, चपेट में आकर बेजुबान की हुई दर्दनाक मौत, ग्रामीण बाल बाल बचे। परौर थाना क्षेत्र में दबंगों ने किसान के खेत पर जबरन किया कब्जा। किसान ने SDM को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की, साथ ही पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। और MLC चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा। SPS आनंद ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। मिर्जापुर थाना क्षेत्र में चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर से अवैध रूप से चलाई जा रही आरा मशीन को हटाया गया। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। जलालाबाद में दो पक्षों में आपस में जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि यहां कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। अनालगन क्षेत्र में डिगरी गांव के पास टेम्पो और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है टिगरी गांव के पास सड़क पर गहरे गड्ढे होने की वजह से टेम्पो अनियंत्रित होकर बाइक से जा टकराया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सायापुर में 27 साल बाद एक बेटे ने दुष्कर्म पीड़िता माँ को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाई है। आरोप है कि 1994 में एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग किशोरी ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं अब बेटे ने दुष्कर्म पीड़ित मां को न्याय दिलाने के लिए 2021 में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि DNA परीक्षण कराया गया है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है और सबूतों को इकट्ठा कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने आज गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद को यूपी कैबिनेट में शामिल किया गया है और उन्हें PWD का अहम जिम्मा सौंपा गया है। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित MA पब्लिक स्कूल और ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। विद्यालय प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी ने बताया कि 1950 से आज के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसिफ अली मंसूरी ने बच्चों को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक किया। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों का विशेष दल जिले में डेरा डाले हुए हैं। आज कलानगर में सुरक्षा कर्मियों ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। तेलहर से नवनिर्वाचित विधायक सलोना कुशवाहा आज विधानसभा क्षेत्र के ऊन कला भर्री और हरदयाल नगर पहुंची, जहां उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक ने क्षेत्र की तमाम समस्याओं के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की और समस्याओं के निस्तारण कराने का भी आश्वासन दिया। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा और सहायक नगर आयुक्त अंगद गुप्ता ने महानगर क्षेत्र के मघई टोला स्थित कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। गौशाला में साफ सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेयजल और गौवंशों के लिए हरे चारे की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान गौपालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
जलालाबाद के गुनारा गांव में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से चपेट में आकर एक बेजुबान की दर्दनाक मौत हो गई। यहां हाई टेंशन लाइन का जर्जर तार टूटकर नीचे गिरा, जिसकी चपेट में एक भैंस का बच्चा आ गया और दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पास में ही मौजूद ग्रामीण बाल बाल बच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर लाइन को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद उसके लाइन को दुरुस्त नहीं कराया गया, जिसके चलते आज तार टूटकर नीचे गिर गया। सायाहपुर से सांसद अरुण कुमार सागर ने संसदीय क्षेत्र में रेलवे संबंधित आ रही समस्याओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। सांसद ने कोरोना संक्रमण के दौरान बंद हुई ट्रेनों के संचालन को शुरू कराए जाने की मांग की है। साथ ही कई ट्रेनों के स्टॉपेज कटरा और तिलहर रेलवे स्टेशन पर न होने के चलते यात्रियों को हो रही समस्याओं को भी रेल मंत्री के समक्ष रखा है। सांसद ने मांग की है कि सभी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। लगातार बढ़ती गर्मी के प्रकोप के चलते राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विद्यालयों का समय परिवर्तन की मांग की है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि प्रसिद्धीय विद्यालयों के समय में बदलाव किया जाए। मांग की गई है कि विद्यालय सुबह 7:30 पर खोले जाएं और दोपहर 12 अवकाश घोषित किया जाए। जिलाधिकारी ने समय में बदलाव का आश्वासन भी दिया है। थाना मिर्जापुर क्षेत्र में भी सरकार का आज बुलडोजर चला। मिर्जापुर के तारापुर गांव में अवैध रूप से चल रही आरा मशीन को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। दरअसल वन विभाग और पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि तारापुर में आरा मशीन पर अवैध रूप से लकड़ी चिराने का काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना के बाद वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। पुलिस और वन विभाग की छापेमारी से पहले ही आरा मशीन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल वन विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है। कलान थाना क्षेत्र के मालो गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक युवक के बहनोई ने पुलिस को तहरीर देकर अनहोनी की आशंका व्यक्त की है। बदायूं जिले के रहने वाले संजय ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनके साले की मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार भी गंगा घाट पर करा दिया गया है। संजय का आरोप है कि उनके साले की जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। एमएलसी चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। आज पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने पुलिस लाइन में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ एक खास बैठक की। इस दौरान एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सायाहपुर पीलीभीत एमएलसी पद के लिए भाजपा ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता और समाजवादी पार्टी ने अमित यादव उर्फ रिंकू को अपना प्रत्याशी बनाया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सायाहपुर योग वेलनेस सेंटर पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार पहुंचे। इस दौरान बाल विकास पुष्टाहार की कार्यकर्त्रियों को योग और प्राणायाम के जरिए शरीर को स्वस्थ रखने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। परौर थाना क्षेत्र के गांव जुआखेड़ा में एक किसान ने दबंगों पर जबरन खेत पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। किसान का आरोप है कि उसके साथ गाली गलौच और मारपीट भी की गई। वही पीड़ित ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित किसान ने एसडीएम को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। किसान रामकिशोर का कहना है कि उसके खेत पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस से की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर महिला कल्याण विभाग द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम नालंदा स्कूल में आयोजित किया गया था, जिसमें पहुंचे जिला प्रोबेशन अधिकारी गौरव मिश्रा ने लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। कार्यक्रम में जिला समन्वयक अमृता दीक्षित भी शामिल हुई। बलिया में पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर आज सायाहपुर में भी पत्रकारों ने रोष व्यक्त किया।
उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और बलिया कांड में उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बलिया में पेपर लीक मामले में पत्रकारों की हुई गिरफ्तारी के बाद जगह जगह पर पत्रकार रोष जाहिर कर रहे हैं। वहीं विधायक चेतराम ने कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। विधायक चेतराम ने अपने चिनौर स्थित कार्यालय पर फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों से बात कर कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया तो शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।